भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रामदास तड़स के प्रचार के लिए 8 अप्रैल को दोपहर 1 बजे शहर के हिंगन घाट स्थित टाका ग्राउंड मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा आयोजित की गई है। इस संदर्भ में आज लिया गया पुलिस प्रशासन की ओर से जायजा। इस समय शहर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। आज 7 अप्रैल को दोपहर 2 बजे जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने उत्तर प्रदेश के DIG के साथ सभा स्थल का दौरा किया और सभा स्थल की सुरक्षा की अधिकारियों को निर्देश और सूचना दी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोशन पंडित ने बताया कि पूरी सुरक्षा के लिए यहाँ 500 पुलिस जवान और 100 पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। इस मौके पर हिंगन घाट की प्रभारी थानेदार IPS वृष्टि जैन समेत अधिकारी मौजूद थे। पुलिस अप्लाई थे योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश येणार आहे, तर त्या अनुषंगानं आपण मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त आपण टाका ग्राउंड इथे घेणार आहोत। जवळपास आपल्याकडे 500 जास्त पोलीस कर्मचारी महिला आणि पुरुष, तसेच 100 जवळपास पोलीस अधिकारी DYSP PSI API आणि बऱ्याच इतर शाखेचे कर्मचारी आपल्याकडे हजर होणार आहेत। तसेच आम्ही यानिमित्त आपण 2 पार्किंग स्लॉट दिले आहेत, पण त्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे, एक आंबेडकर पुतळा यांच्या पाठीमागे, तसेच दुसरा नूतन विद्यालय इथे, तसेच इतरही आपण ट्रॅफिकच्या अनुषंगानं पॉईंट शहरामध्ये वेग ठिकाणी दिलेले आहेत। तसेच रोड बंदोबस्त आहे, ते येणाऱ्या जे काही सभेसाठी येणारे इसम आहेत किंवा व्यक्ती आहेत यांना आपली विनंती आहे की त्यांनी आपापले जे वाहन आहे त्या पार्किंग जेथे अलोकेट केलेली आहे त्याच ठिकाणी पार्क करतील आणि सभेसाठी पायदळ येतील। NBC News के लिए हिंगन घाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।